अलग आईज आप लोग कैसे हैं आई होप एवरी पेपरिंग ओके दिस बेसिकली हमारी जो पिलियम्स सीरीज है पिलियम्स में क्या करेंगे हम डेली फाइव फाइव क्वेश्चन बेसिकली कवर करेंगे जिसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे बेसिकली अभी हम क्या करेंगे कुछ दिन तक टेन टेन क्वेश्चन करेंगे जिससे क्या होगा हम मई से स्टार्ट करें यानी कि जो हमारा पेपर होगा वो मई में होगा पी वाला तो हम क्या करेंगे फाइव माननी कि एक मई और दो मई दो दो दिन के क्वेश्चन को कम माइन के टेन टेन क्वेश्चन कवर कर लेंगे और जब हम हे लाइनअप पे आ जाएंगे जब करंट शेड्यूल जैसे अभी सेप्टेम्बर चल रहा है तो इस तरीके से जब हम करंट शेड्यूल पाएंगे तो फाइव फाइव क्वेश्चन कवर करेंगे डेली बेसिस पे डिटेल में इसमें कुछ क्वेश्चन डिफरेंट कोचिंग्स होंगे एक दो क्वेश्चन हमने भी बनाए हैं सो आई हैव अ लॉट एक्सपीरियंस इन दिस एरिया बिकॉज आई आर इन्वेस्टेड अराउंड फोर टू फाइव ईयर्स सो आई नो हाउ टू बेसिकली यू पी एस सी गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन एंड बेसिकली जो न्यू आना है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आ, फोकस करेंगे क्योंकि जो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है वो काइंड ऑफ आउट डाउट आउटडेटेड हो चुका है सो so, हम कोशिश करेंगे मोर इन क्वेश्चन बेसिकली जो करंट के बीस टू तीस क्वेश्चन होते हैं अगर वो टैकल कर लो तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है बिकॉज आई गिव फोर टू फाइव अटैम सो आई नो ओके तो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अप्लीकेशन सपोर्ट बाई ब्लॉक अमाउंट लाइक अ फैसिलिटी ऑफ ट्रेडिंग देखिए ए एस बी एज एप्लीकेशन बाई इन्वेस्टर दैट कंटेंस दथोराइजेशन ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स ओके टू ब्लॉक द बैंक अंकउट अप्लीकेशन मनी और सब्सक्राइब द इशू तो दिस इज डिफिनीसन सो दिस इज करेक्ट ओके दिस इज एग्जैक्ट डिफिनीसन ऑफ ए एस बी एके दिस फैसिलिटी विल बी ऑप्शनल फॉर इन्वेस्टर एंड स्टॉक ब्रोकर ठीक है ये भी सही है आगे देखिए ये करंट का कुछ करंट का है कुछ, थर्ड वाला ऑप्शन रिसेंटली सेवी कैंसल्ड कैंसल्ड नहीं सेवी ने अप्रूव्ड किया है ठीक है अप्रूव्ड किया है ओके सो आंसर इज ए ठीक है अब देखिए यही गेम होता है कहीं पे अगर मतलब अप्रूव्ड हो तो कैंसिल होगा तो ये काइंड ऑफ लिटिल बिट एलिमिनेशन ट्रिक ओके मूव ऑन आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकग्नाइज थ्री सिस्टर्स वाई डब्ल्यू टू ओके रिगार्डिंग सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर एग्रीमेंट ये पोटेंशियल क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए कोडेक्स एलिमेंट्री एस ओके इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन यश एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ यश तो आंसर इज बी ओके फैक्चुअल क्वेश्चन है बस आपको मग करना है ठीक है सो दूसरे का आंसर बी ओके इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे पहले बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ठीक है मूव ऑन आगे देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली करंट अफेयर में क्या है ना बहुत टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी कि सम आर न्यू वंस एंड सम आर बेसिक्स देखिए आर्टिकल थ्री फोर्टी डायरेक्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत इन ए प्रोवाइड अपॉइंटमेंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन एंड इम्प्रूवमेंट दैट इज ओ बी सी बैकवर्ड क्लासेज ठीक है मूवन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेंस साइबर एजेंसी डिफेंस साइबर एजेंसी ठीक है ओके द डिफेंस साइबर एजेंसी इज अ ट्राई कमांड ठीक है यानी कि तीनों सर्विस ट्राई कमांड एजेंसी ओके नो प्रॉब्लम इट इज राइट डिफेंस साइबर एजेंसी ड्रा पर्सनल ऑल थ्री ब्रांचेज ये भी सही है ओके द हेड ऑफ डिफेंस चीफ डिफेंस ये नहीं टू स्टार ऑफिसर इसका हेड होता है ठीक है टू स्टार ऑफिसर रैंक का इसका हेड होता है ठीक है तो चीफ डिफेंस नहीं होता तो आंसर हो जाएगा बी ओके बेसिकली ये मई का है तो इसमें हम क्या करेंगे दो दो तीन दिन दिन के क्वेश्चन क्लब करके सॉल्व करेंगे ताकि हम बिल्कुल करंट पैटर्न है कि जल्दी से जल्दी सेप्टेम्बर तक आ जाए ठीक है सेप्टेम्बर अक्टूबर लास्ट तक सो so, ये डेली बेसिस पे रहेगा मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ देखिए द कंट्री बॉर्डरिंग यू ए अब देखो इसमें ट्रिक क्या है ईरान ईरान नहीं है ठीक है अभी मैप में देखेंगे नीचे ईरान नहीं है बेसिकली इस तरीके से लोकेशन बनती है ठीक है इस तरीके से तो ईरान नहीं ईरान कट गया अब देखिए जब ईरान आउट आउट आंसर बी एस बिल्कुल एलिमिनेशन से हो गया ठीक है आगे देख लीजिए अभी नहीं पांच क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सपोर्टेड बाय अप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट इज फैसिलिटी ट्रेडिंग ओके इधर देखिए जो करंट वाला था कब स्टार्ट की सेबी ने दो हज़ार आठ में स्टार्ट की है सेल्फ सर्टिव सिंडिकेट बैंक के लिए ठीक है ओके आगे देख लीजिए अप्लीकेशन मनी मैंडेटरी ओके सर्विस टू कस्टमर ठीक है रिसेंटली अभी क्या हुआ अप्रूव्ड हुई थी ठीक है सो so, सबके लिए होती है इट पब्लिक इशू राइट एंड इशू ऑल इन्वेस्टर मैंडेटरी अप्लाई थ्रू ए ए एस एस बी ओके थोड़ा डिटेल थोड़ा फैक्चुअल मीन्स एडिशनल डेटा है वो भी थोड़ा देख लीजिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द थ्री सिस्टर ठीक है उसके बाद कोडेक्स है उसके बाद वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल भी है ठीक है द थ्री सिस्टर वाले में साइटोसैनिटी मेजर में आई इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ओके फिर वो ही है ठीक है वो एक्सप्लेसन दी देखिए आर्टिकल थ्री फोर्टी बैकवर्ड क्लासेस रिलेटेड है ओके प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बेसिकली कमीशन अपॉइंट होता है अब देख लीजिए इससे रिलेटेड कमेटीज काका काल कमेटी सबसे पहले और मंडल कमेटी और लेटेस्ट वन रोहिणी कमेटी ठीक है जस्टिस रोहिणी कमेटी जस्टिस रोहिणी कमेटी ये नहीं दिया गया ठीक है ए बी सी रिलेटेड है ये बेसिकली कैमिल बेसिकली जो क्रीमी लेयर है ना ओ बी सी में उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह के बारे में रिकमेंडेशन दी थी ठीक है आगे देखिए डिफेंस साइबर देखिए ट्राई सब कमांड है ठीक है पर्सनल तीनों से लिए जाते हैं ओके हेड ऑफ़ द टू स्टार रैंक ऑफिसर ठीक है और बोर किसको रिपोर्ट करता है सी को ठीक आगे देखिए ये देखिए यू की लोकेशन देख लीजिए ये ये यू है ठीक है तो सऊदी अरबिया हो गया ओमान हो गया कतर भी नहीं बहरान भी और ईरान इधर हो गया ठीक है तो इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यूए ओके यानी कि ओमान और सऊदी अरबिया का वर्डर लगता है यू से ठीक है सेकेंड डे का देख लीजिए यानी कि मे टू का मे टू का डिस्कशन ठीक है देखिए मना मधुराई पोइट्री यानी कि पोइट्री है ठीक है मना मधुराई पोएट्री रिसेंटली काटा जी आई टैग कहाँ से है तमिलनाडु से ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन है बस नो डाउट ऐसे ही आपको याद करना है दूसरा देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटरपोर ओके इंटरपोर इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प पुलिस ऑफिसर टू ऑल द मेम्बर कंट्री बेटर कोआर्डिनेट सही बिल्कुल दिस इज मोटो है यार एम है ठीक है इट हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल हेड क्वार्टर इन जिनेवा नहीं लियोन में है लियोन फ्रांस में है ठीक है लियोन फ्रांस में है ओके इट इस रेड नोट इज दैट अलर्ट पुलिस ऑफिसर एक वर्ल्ड फ्यूजिटिव इंटरनेशनली करेक्ट है रेड नेट okay. में क्या होता है जैसे आ, बारा सॉरी उसमा देन और इन सब के लिए जो टेररिस्ट थे इनके लिए बेसिकली जो इंटरनेशनल रिक्नाइज टेररिस्ट होते हैं उनके लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है शो आंसर इज बी ओके अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब स्प्लिट प्रोडक्ट बाई सुप्रीम कोर्ट अब देखिए स्प्लिट स्प्लिटेड होता क्या है बेसिकली मान लीजिए जब ईवीन नंबर की ब्रांच हो जज की ब्रांच हो दो चार छः आठ तो ये लोग क्या करते हैं मान लो एक ने फेवर में दिया एक अपोच में दिया दो ने फेवर में दो ने अपोजट तीन में फेवर इस तरीके मीन्स टू एच टू टू थ्री एच टू थ्री ऐसे करके ठीक है यानी कि दोनों कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते ठीक है नहीं होता होता है एज ए स्प्लिट प्रोडक्ट पास बेन सुप्रीम कोर्ट बेंच कांट डिसाइड वन वे और अदर केस आइदर बाई यूनानिमस डिसीजन और बाई मेजॉरिटी वर्डिक्ट सही है ठीक है दिस इज एग्जैक्ट डिफिनिशन ऑफ स्प्लिट प्रोडक्ट स्प्लिट प्रोडक्ट कैन हैपन इवन बिन द ब्रांच है और नंबर नहीं ये गलत है नहीं हो सकता क्योंकि मान लीजिए चार एच पाँच की ब्रांच है ठीक है तो थ्री एच टू टू हो जाएगा फोर एच टू वन हो जाएगा टू टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट था फाइव थोड़ी होगा ठीक है सो दिस इज टू इज रॉ तो टू इज रॉ इनके साथ स्पीड बाईट के साइड बाई लार्जस्ट ब्रेंच बिल्कुल करेक्ट मान लो दो की ब्रांच थी तो तीन की होगी पाँच की होगी समथिंग लाइक दैट तो आंसर इज सी ठीक है आगे देखिए द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाई सबको पता है यू ठीक है यू एन डी पी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है ये बेसिकली एम पी आई इंडेक्स निकालती है ठीक है थोड़ा डिटेल नीचे डिटेल हम देख लेंगे अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग नॉट टू साउथ ठीक है नॉट टू साउथ तो तकसीमा ये जापान के होन पहले वाले यानी कि होकाइडो वाले पे तो तीन फर्स्ट हो जाएगा तीन फिर से कंकु होगा क्यूरायल सबसे पहले होगा क्यूराइल ठीक है फिर होगा तकसीमा टू थ्री वन ठीक है तो आंसर इसका भी हो जाएगा सो दीज आर फाइव क्वेश्चन थोड़ा इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले देख लीजिए देखिए यू मन्ना मदुराई पोइट्री है उसे जी आई टैग मिला कहाँ से है तक तमिलनाडु से है पोर्ट मैकिंग है ठीक है ओके राइट पोर्शन ऑफ मर्ट के लिए दीज आर इन्ग्रीडियंट ठीक है यूनिक टाइप के लिए सराउंड वाटर बॉडीज लाइक नेदुकुलम नेदूकुलम इनकी पिक्चर्स होती हैं ठीक है ऑन दीज पोर्ट्स यानी कि जो माइनर वाटर बॉडीज़ हैं उनकी पिक्चर्स होती है ठीक है मूव ऑन अब देखिए इंटरनेशनल इसका हेड क्वार्टर कहाँ है फ्रांस में ठीक है नेशनल सेंटर ब्यूरो ईच मेंबर कंट्री ठीक है वो इसका बेसिक मेंबर होती है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल कौन होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओके रेड नोटिस अलर्ट करने पे क्या किया जाता है वो बंदा ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिकली बॉन्टेड हो जाता है ठीक दिस इज अबाउट इंटरनेशनल इंटरपोल ओके स्प्लिट प्रोडक्ट देखिए इस पर बेंच कांट डिसाइड ठीक है आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द आंसर यानी कि कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आता है नो प्रॉपर डिसीजन कैन हैपन ओनली बेंच हैज़ ई नंबर ठीक है नॉट ऑड नंबर इन केस ऑफ स्प्लिट प्रोडक्ट केस गोज टू लार्जर बैंक ठीक है लार्जर बेंच जैसे दो है तो चार के पास पाँच के पास जाएगा सात के पास जाएगा सो एंड सो वन ठीक है वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द लार्जर बेंच टू स्प्लिट ब्रोडक्ट कैन थ्री जज हाई कोर्ट और ओके हाई कोर्ट में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता ठीक है एच पर जिसमें केस चल रहा है आगे देखिए हाँ मल्टी डायमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द रिपोर्ट प्रोड्यूसर यू एन डी पी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये दोनों बॉडी बेसिकली मेजोरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है यू एन डी पी का और ये हेल्पिंग एजेंट होता है ठीक है हेल्पिंग एजेंट टाइप बॉडी है आगे देखिए बी क्यूराइल टॉप पे है ठीक है क्यूराल यहाँ पे है फिर सीमा हो जाएगा फिर सेंकाकू आइलैंड हो जाएगा ठीक है दिस इज द पोजिशन बेसिकली जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना इनमें बेसिकली एक दो करंट के होते हैं और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन सारे करंट ही होते हैं जो कर फिर हमने चल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन even यू पी में जो स्टेटिक क्वेश्चन होते हैं वो भी ना करंट से ही पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत मिला के मान लीजिए चार स्टेटमेंट हैं चार स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट उन्होंने स्टेटिक रख दिए और दो करंट के रख दीजिए रख दिए तो यानी कि इस तरीके से यू गेम करती है खेला खेला करती है सो so, अब तो नया पैटर्न आ गया तो हमें और कॉन्शियस हो जाना चाहिए सो दिस इज़ फर्स्ट में और सेकेंड में का डिस्कसन है बेसिकली इसमें हमने टेन क्वेश्चन है डस्ट कीसन आई होप गाय आप लोगों को पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो सो दैट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल वीडियो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एट हैव अ नाइस डे